किसान भाइयों, आज हम जानेंगे कि जो डीएपी और एनपीके रहता है उसमें क्या अंतर रहता है, किस तरीके से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, इसमें से क्या बेस्ट रहता है, इन दोनों का हम प्रयोग आज जानेंगे। तो किसान भाइयों, बने रहें हमारे साथ वीडियो पर और हमारे यूट्यूब चैनल MGTC फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और जितना हो सके वीडियो को उतना शेयर करें। तो हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर सनी चौधरी, वो आज आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। ये देहात में काम करते हैं, जो सीड टू मार्केट सारा प्रक्रिया रहती है, वो आज आपको NPK और DAP में जो अंतर रहता है, किस प्रकार से इसको प्रयोग कर सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए जी। हाँ, किसान भाई को मेरा नमस्कार। मैं सनी चौधरी, देहात कंपनी से। अभी जैसे कि इन्होंने भैया ने बताया कि NPK और DAP में क्या अंतर है, उसके DAP या NPK जो प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं किसी भी पौधे के लिए, उसमें आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, तीन पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम DAP का उपयोग करते हैं तो DAP में क्या है, केवल दो पोषक तत्व पौधे को मिलते हैं, जिसमें नाइट्रोजन और आपका फास्फोरस। और यदि हम NPK का यूज करेंगे तो NPK में क्या है, आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, तीनों पोषक तत्व पौधे को प्राप्त होते हैं। यदि किसी भी कंपनी का DAP का जो एक बैग होता है 50 किलो का, उसमें आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस की जो मात्रा मिलेगी, जो अनुपात मिलेगा, वो 18 और 46% में मिलेगा। इसमें नाइट्रोजन आपका 18% और 46% आपका फास्फोरस। यदि आप NPK की हम बात करते हैं, NPK का ये जो 50 किलो का जो बैग आता है, एक बैग आता है, उसमें जो है आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की 12, 32, 16, यानी कि 12% नाइट्रोजन और फास्फोरस आपका 32% और पोटास आपका 16%, तीनों पोषक तत्व बराबर मात्रा में अच्छे एक अनुपात में मिल जाते हैं। इसमें कुछ कंपनियों का जो NPK आता है वो 20-20% में और 26-26% में जो है NPK आता है। और मैं बात करूं, जैसे हम DAP NPK की बात ही कर रहे हैं, तो प्राथमिकता में पौधे को फास्फोरस की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। जितनी ज़्यादा अच्छी फास्फोरस होगा, उतना ही पौधा ग्रोथ भी करेगा। तो यदि हम DAP दे रहे हैं तो DAP भी अपनी जगह अच्छी है, जहाँ पे पौधा ग्रोथ करता है, अच्छी बढ़वार होती है, जड़ों का विकास काफ़ी अच्छा होता है। पर यदि हम NPK दे रहे हैं तो उसको जो है पोटास की मात्रा भी मिल जाती है। पोटास का काम होता है आपका जो पौधे के अंदर भंडारण क्षमता होती है, भंडारण क्षमता को बढ़ाना, और उसके अलावा जो फल फूल की क्वालिटी, कीपिंग क्वालिटी जो होती है, उसको सुधारना। जैसे हमने टमाटर, मिर्च या आपका लौकी, तोरी या फल फूल वाली जो फसलें हमने बोई हुई हैं, उसमें यदि हम NPK की मात्रा देते हैं तो हमें जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा, तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, जिसमें आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी, जड़ों का विकास भी अच्छा होगा और पौधे के अंदर भंडारण क्षमता भी बढ़ेगी। यदि हम DAP देंगे तो वहाँ पर पोटास की मात्रा मिस रहेगी और कहीं ना कहीं वो हमें अलग से देनी पड़ेगी, या तो हमें पोटास अलग से देना पड़ेगा, जिसकी जो है हमें ज़्यादा मात्रा भी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी, दूसरा उसके साथ साथ में हमें कुछ ज़्यादा पैसा भी पे आउट करना पड़ेगा। यदि हम NPK लेते हैं तो हम उतने ही उसमें खर्चे में आप जो है अपने पोषक तीनों पोषक तत्व दे सकते हैं और बराबर एक अनुपात में दे सकते हैं, जिस मात्रा में पौधे को चाहिए। तो आप NPK देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। NPK DAP से बेस्ट रहता है, क्योंकि उसमें तीन पोषक तत्व एक साथ आते हैं, उसमें दो पोषक तत्व आ सकते हैं। कहीं ना कहीं जैसे कि जो हमारा NPK रहता है, जो आप ले सकते हैं, कोई सा भी NPK ले सकते हैं, जिसमें तीन पोषक तत्व एक साथ पाए जा रहे हैं, उसकी जो कार्य करने की क्रिया है कि वो किस प्रकार से कार्य करता है और क्या ऐसे कार्य करता है जो DAP नहीं कर पाती। देखो, मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने अभी बताया कि ये प्राथमिक पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। जैसे हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन जो है जो जमीन से ऊपर का भाग होता है उसको बढ़ाने का कार्य करता है, जो पौधे का जमीन से ऊपर का भाग है। और यदि हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस का कार्य होता है जमीन के अंदर का जो नीचे दबा हुआ भाग है, जो जड़े हैं। दो तरह की जड़ें होती हैं, एक तो पौधे को सारा देने का कार्य करती हैं, जो दूसरी जड़ें होती हैं ये आपकी मूल जड़ें होती हैं, बारीक जड़ें जो पोषक तत्व उठाने का कार्य करती हैं। तो फास्फोरस उन जड़ों का विकास करता है।
जिससे कि जो जड़ का जो नीचे का जो जड़ रहती है जैसे तना कह सकते हैं जड़ वो मजबूत रहे जड़ जड़ जो है जितनी ज्यादा फैलेगी तो तना उतना ज्यादा मजबूत रहेगा और उतनी दूर से ही वो भोजन उठा के लेकर आएंगे। यदि हम पोटास की बात करें तो पोटास जो है आपका पौधे के अंदर भंडारण क्षमता बढ़ाता है, जो फल फूल हैं उनकी कीपिंग क्वालिटी यानी कि सुंदरता उसको बनाने का कार्य करता है और फल आपका ग्रोथ अच्छा करता है और जल्दी से यदि आपने तुड़ाई कर ली तो आपका फल जल्दी से सूखता नहीं है, जल्दी सूखता नहीं है मतलब लंबे टाइम तक वो चल जाता है, लंबे टाइम तक चल जाता और स्वादिष्ट बना है, भंडारण क्षमता उसकी बढ़ जाती है यानी कि वो मोटा हो जाता है फल भी जो ग्रोथ भी अच्छी होती है। और अगर डीएपी की बात लें जो डीएपी हम किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, कितनी मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं? तरीका तो दोनों का एक ही है कि आप उसको जो है खेत के यूज कर सकते हैं, खेत में जब भी आप अपनी बुआई कर रहे हैं मिट्टी चढ़ाए मिट्टी चढ़ाने का कार्य आपके खेत के अंदर हो रहा हो तो आप उसके अंदर डीएपी या एनपीके का उपयोग कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से हम डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं तो वो मिट्टी में क्या काम करेगा? मिट्टी में मैंने अभी तो बताया आपको कि जैसे कि वो जो डी ए पी हो या एन पी के हो एंड जो नाइट्रोजन है वो ऊपर के हिस्से का ग्रोथ करेगी, फास्फोरस जड़ों का विकास करेगा और पोटास आपका भंडारण क्षमता बढ़ाने का कार्य करेगा। तो ये पौधे को एक साथ जो एन पी के रहता है वो तीन पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। जी जी, तो कह सकते हैं कि एन पी के डी ए पी से ज़्यादा बेस्ट है, ज़्यादा अच्छा है। हाँ हाँ, इतना भी नहीं कह सकते हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं बेस्ट है उसके डीएपी से। डीएपी की भी ऐसी आवश्यकता पड़ती है क्योंकि तीनों पोषक तत्व जो है भरपूर आपको बराबर मात्रा में देने होते हैं। इसमें आप नाइट्रोजन तो यूरिया से भी दे सकते हैं पर यदि आप एनपीके यूज कर लेते हैं तो कुछ नाइट्रोजन उसको पौधे को उपलब्ध रहती है जो एक सही अनुपात में मिलती रहती है। तो डॉक्टर साहब ने बताया, काफी अच्छा लगा और यही जानकारी बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें और जितना हो सके वीडियो को उतना शेयर करें। जय हिंद किसान भाइयों, धन्यवाद। जय।